नमस्कार दोस्तों, हमने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मिथकों को लेकर अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में चर्चा की थी। आज हम आपसे कुछ और दूसरे मिथकों को लेकर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान माने जाते हैं और विज्ञान के दृष्टिकोण से सही नहीं होते हैं। बात करते हैं इन मिथकों को लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला मिथक है, समाज में मान्यता है सुबह सुबह सफेद चीज खाने से बच्चा गोरे रंग का पैदा होता है। देखिए, इस बात में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा होता तो हर माता के गोरा ही बच्चा पैदा होता, क्योंकि दूध और दूध से बनी चीजों का प्रयोग प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा किया जाता है। बच्चे का रंग गोरा वास्तव में माता पिता के जीन्स पर निर्भर करता है। जैसे कि चीनी सफेद रंग की होती है, लेकिन यह गर्भ शिशु ही नहीं बल्कि नवजात शिशु और बल्कि 20 वर्ष तक के बालक के लिए जहर मानी जाती है, क्योंकि यह बच्चे के विकास को रोक देती है। ऐसे ही नमक है, अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान नमक अधिक खाएंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जो प्रेगनेंसी में ठीक स्थिति नहीं है। दूध भी अपने आप में कंप्लीट आहार माना जाता है, लेकिन कच्चे दूध में बैक्टीरिया होने का खतरा होता है, इसलिए सबसे पहले दूध को पकाना चाहिए, उसके बाद उसे भोजन में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा मिथक है, महिला के पेट के आकार से लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों, महिला का पेट तभी बाहर निकलता है जब बच्चे का लिंग निर्धारित हो चुका होता है। ऐसा संभव है कि कुछ अधिकतर मामलों में लड़का होने पर पेट का आकार अलग या लड़की होने पर पेट का आकार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यह बात 100% बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे जेंडर प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन लिंग का निर्धारण बिल्कुल भी नहीं होता है और जेंडर प्रेडिक्शन भी लगभग 100% सही नहीं होता है। मात्र अनुभव के आधार पर यह बात कही जाती है और वैज्ञानिक इसे मिथक मानते हैं। तीसरा मिथक है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से यह प्राकृतिक घटना है, इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन धार्मिक नजरिए से और डॉक्टर्स के नजरिए से, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड हैं, इसलिए डॉक्टर अलग तरह की बात करते और धार्मिक लोग अलग तरह की बात करते, सामाजिक लोग अलग तरह की बात करते हैं। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर कुछ विशेष प्रकार की किरणों का प्रभाव धरती के ऊपर रहता है, जो गर्भ शिशु के लिए काफी हानिकारक मानी जाती है। यह हमारे प्राचीन वैज्ञानिक और धर्म के आधार पर बात कही जाती है, लेकिन मॉडर्न साइंस के अंदर अभी इस पर रिसर्च बाकी है। मिथक नंबर 4 है, 7 महीने के बाद अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो बच्चे का सिर नारियल जैसा हो जाता है। यह बिल्कुल एक हास्यास्पद बात है, 100% मिथक है। जो लोग मिथकों पर विश्वास करते हैं वह भी इसे नहीं मानेंगे, उसी से नकार देंगे। नारियल एक न्यूट्रिशन से भरा पेय पदार्थ होता है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसका बच्चे के सिर के आकार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।